स्टॉप बर्निंग. ठीक है, तो दीज वर द फ्यू कंडीशन, दीज वर द थ्री कंडीशन ऑफ एक्सटिंग्विशिंग अ फायर. एज रिमूविंग ऑल द कंबस्टिबल सब्सटेंस ड्यूरिंग अ फायर इज यूजली नॉट पॉसिबल, द रिमेनिंग टू कंडीशंस आर टेकन इनटू कंसिडरेशन. द फायर एक्सटिंग्विशर ऑल्सो वर्क्स ऑन द सेम प्रिंसिपल. जो फायर एक्सटिंग्विशर्स हम सब ने देखे हैं, इवन हमारे स्कूल्स में भी होते हैं, हमने हॉस्पिटल्स में भी देखे होंगे फायर एक्सटिंग्विशर. तो ये सारे एक्सटिंग्विशर्स जो हैं, ये बेसिकली दे वर्क टू स्टॉप द फायर. सो ये भी इसी सेम प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं. जो फायर एक्सटिंग्विशर हैं, इनका आप डायग्राम देख रहे होंगे, इनको सोडा एसिड टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर कहा जाता है. इट इज़ द सिंपलेस्ट फायर एक्सटिंग्विशर. द प्रॉपर्टी ऑफ एसिड टू लिबरेट कार्बन डाइऑक्साइड ऑन रिएक्टिंग विद कार्बन एंड बाइकार्बोनेट ऑफ मेटल इज यूज इन दिस. मतलब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है, इट विल, जो एसिड है इसमें, इट विल लिबरेट कार्बन डाइऑक्साइड ऑन रिएक्टिंग विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट ऑफ मेटल जो कि इसमें यूज़ किया जाता है. व्हेन द गैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इवॉल्व इन द ब्रिस्क फेज, इट एक्सटिंग्विशेस द फायर व्हेन रिलीजेस ओवर इट. सो इसमें आप बेसिकली, हम सीधे डायग्राम से पढ़ेंगे कि आप इसमें देख रहे होंगे कि सोडियम बाइकार्बोनेट का सोल्यूशन है कंटेनर के अंदर, और उसमें ऊपर जो एक फ्लास्क शेप का स्ट्रक्चर दिया है, इसमें सल्फरिक एसिड है विच इज़ इनक्लोज इन अ बॉटल, और यहाँ पे एक नॉब दी गई है. तो नॉब से बेसिकली हम इसे सप्लाई करते हैं ऑन द फायर, और इससे क्या होता है कि जो भी सडन एक्सप्लोजन है या जो अगर कहीं आग वगैरह लगी है तो उसमें ये रोकने में हेल्प करता है. तो दिस वाज अ फायर एक्सटिंग्विशर. फायर एक्सटिंग्विशर हमने अपने डे टू डे लाइफ में सब ने देखा ही है. तो यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर का पार्ट्स बताया गया, देयर आर मेनी थ्री पार्ट्स, कंटेनर, बॉटल एंड नॉब. सो मैंने आपको ऑलरेडी स्ट्रक्चर बता ही दिया है. फायर एक्सटिंग्विशर का शेप कैसा होता है, सिलेंड्रिकल शेप का होता है, इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट सोल्यूशन होता है और एक स्मॉल बॉटल अटैच होती है जिसमें कि सल्फरिक एसिड होता है, कंसनट्रेटेड सल्फरिक एसिड होता है. कंसनट्रेटेड और डायल्यूट आप ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हो. एक ऊपर एक नॉब दिया गया होता है जिसे एंट्री और एग्जिट अलाउ की जाती है उस पर्टिकुलर सब्सटेंस की. और इस पर्टिकुलर फायर एक्सटिंग्विशर का क्या वर्क होता है, टू कट ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन. तो यहाँ पर रिएक्शन दिया हुआ है, सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस सल्फरिक एसिड टेंड्स टू फॉर्म सोडियम सल्फेट वाटर कार्बन डाइऑक्साइड. क्लियर? तो ये रिएक्शन है आपका जो कि उस पर्टिकुलर फायर एक्सटिंग्विशर में होता है. देयर इज अनदर टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर. कार्बन डाइऑक्साइड इज स्टोर इन इट अंडर ग्रेट प्रेशर इन अ सिलेंडर. व्हेन दिस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज फ्रॉम द सिलेंडर, इट एक्सपेंड सडनली एंड कूल्स डाउन. अपार्ट फ्रॉम कटिंग ऑक्सीजन, इट कूल्स डाउन द कंबस्टिबल सब्सटेंस टू. दिस इज टू इफेक्टिव फॉर अ फायर एक्सटिंग्विशर. सो बेसिकली यहाँ पे एक और फायर एक्सटिंग्विशर है, देर इज अ सेकेंड टाइप ऑफ अ फायर एक्सटिंग्विशर ऑल्सो. इसमें क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ये अंडर ग्रेट प्रेशर इट इज़ बीन स्टोर्ड इन अ सिलेंडर. इसको सिलेंडर में रखा जाता है ग्रेट प्रेशर में, और जब हम इसका रिलीज करते हैं तो ये एक्सपैंड होती है और इट कूल्स डाउन सडनली, जिससे क्या होता है, ये ना सिर्फ ऑक्सीजन का सप्लाई रोकती है बल्कि जो कंबस्टिबल सब्सटेंस है, जो जल रहा होता है, उसको ये ठंडा भी कर देती है साथ साथ. दैट इज़ वाई इट इज़ टू इफेक्टिव फायर एक्सटिंग्विशर. अंडरस्टूड? नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फ्लेम. सो फ्लेम क्या है आपका? फ्लेम मैंने चैप्टर के आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि इट इज़ अ विजिबल एंड अ गैशियस पार्ट ऑफ द फायर. तो विजिबल और गैशियस पार्ट जो होता है फायर का, इसे हम क्या कहते हैं, फ्लेम कहते हैं. इट इज़ ऑल्सो अ फैक्ट दैट एवरी थिंग बर्न्स डज नॉट प्रोड्यूस अ फ्लेम, ओनली वेपराइजिंग सब्सटेंस बर्न विद अ फ्लेम. तो हम सब ने ये देखा है कि बहुत सारे सब्सटेंस ऐसे होते हैं विच डज नॉट बर्न एट ऑल विद अ फ्लेम, ओनली फ्यू सब्सटेंसेज यूजली बर्न विद अ फ्लेम. सो ऐसे सब्सटेंस जो वेपराइजिंग सब्सटेंस होते हैं, दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस विल बर्न विद अ फ्लेम. द वेपर बर्न विद द फ्लेम. जब कैंडल बर्न की जाती है तो एक हॉट मोल्टन वैक्स होता है जो कि राइज होता है, और फिर इट वेपराइजेज विच प्रोड्यूसेज अ फ्लेम. नाउ देयर आर डिफरेंट कलर्स ऑफ द फ्लेम.
So when there is sufficient supply of oxygen, the substances burn completely, giving off non-luminous flame or blue flame. So अगर oxygen की proper supply हो रही है तो जो substance है it will burn completely while giving off a non-luminous flame which is known as blue flame also, understood? और अगर insufficient supply है oxygen की तो it will burn with a flame ऑफ येलो कलर, वो येलो कलर फ्लेम के साथ बर्न होगा अगर उसमें प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं है. प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई अगर हो रही है तो इट विल बर्न विद अ ब्लू फ्लेम, एंड इफ़ देर इज़ नॉट एट ऑल अ प्रॉपर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस विल बर्न विद येलो फ्लेम. और ये क्यों हो रहा है? इट इज़ बिकॉज ऑफ द ग्लोइंग ऑफ द अनबर्न कार्बन एटम. ये कार्बन एटम की वजह से हो रहा है. कार्बन एटम्स जो हैं अगर प्रॉपरली बर्न हो जाएंगे तो फिर वो ब्लू फ्लेम प्रोड्यूस करेंगे, और अगर वो प्रॉपरली बर्न नहीं होंगे, उसमें कुछ अनबर्न पार्टिकल रह जाएंगे उनके, तो वो येलो कलर की फ्लेम बर्न करेंगे. द फ्लेम ऑफ ए बंसन बर्नर विल बी ऑफ ब्लू कलर ऑफ इट्स एयर होल इट्स केप्ट ओपन. आप जो आपके जो होम्स में बंसन्स वगैरह होते हैं, बर्नर होते हैं, इसमें आप देखोगे कि ब्लू कलर की फ्लेम होती है, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई होती है. दैट इज़ वाई दैट पर्टिकुलर फ्लेम इज़ ब्लू कलर फ्लेम. एंड वेयर इट्स व्हेन इट्स एयर होल इज केप्ट क्लोज द फ्लेम विल बी ऑफ येलो कलर. और समटाइम्स आपने ये देखा होगा कि जो उसमें होल हैं वो चोक्ड हो जाते हैं या वो ब्लॉक हो जाते हैं, तो इसमें क्या होगा कि जो फ्लेम है दैट विल बी ऑफ येलो कलर, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो रही. दैट मींस कि इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज़ देयर व्हिच इज़ मेकिंग द कलर ऑफ दैट पर्टिकुलर फ्लेम येलो. कैंडल फ्लेम, कैंडल फ्लेम को अगर हम प्रॉपरली ऑब्जर्व करें तो इसकी जो फ्लेम है वो डिफरेंट कलर की होती है. ठीक है, तो इट फ्लेम इज़ ऑफ डिफरेंट कलर एट डिफरेंट एरियाज. द फ्लेम ऑफ द कैंडल हैज़ मेनली थ्री जोन डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ एयर इट रिसीव. द डिफरेंट जोन हैव डिफरेंट कलर. सो कैंडल की डिफरेंट जोन होती है. नॉन ल्यूमिनस जोन, फर्स्ट इज नॉन ल्यूमिनस जोन. नॉन ल्यूमिनस जोन और कंप्लीट कम्बशन जोन, ये हॉटेस्ट पार्ट होता है कैंडल फ्लेम का, क्योंकि यहाँ पे सफिशेंट सप्लाई होती है एयर की, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा हैविली बर्न होता है. नेक्स्ट इज ल्यूमिनस जोन. ल्यूमिनस जोन जो है मिडिल जोन होता है, यहाँ पे इनकम्प्लीट कम्बशन होता है. सो ये बहुत माइल्ड हॉट होती है, ना बहुत ज़्यादा हॉट है ना ही एकदम, दैट मीन्स कि बहुत कम है, ये माइल्ड होती है. यहाँ पे वैक्स जो है ये वेपर फॉर्म में टर्न होता है और इट डज नॉट कम्प्लीटली बर्न. नेक्स्ट इज, इसे हम मिडिल जोन भी कहते हैं कैंडल का. नेक्स्ट इज़ डार्क जोन. डार्क जोन जो है ये इनर मोस्ट जोन होता है, ये सबसे ज़्यादा लीस्ट हॉट होता है, और इसमें अनबर्न वेपर प्रोड्यूस होते हैं बाय द मेल्टिंग ऑफ वैक्स. दैट इज़ व्हाई इट इज़ अ अनबर्न जोन ऑफ दैट पर्टिकुलर कैंडल. लास्ट जोन इज़ आपका ब्लू जोन. ब्लू जोन जो है यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड विल बर्न विद अ ब्लू कलर. ठीक है, यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड जो है इट विल बर्न विद अ ब्लू कलर, और यहाँ पे आपको ब्लू कलर की फ्लेम मिलेगी. अंडरस्टूड? सो दिस वाज योर जोन ऑफ द कैंडल फ्लेम. होप कैंडल फ्लेम टॉपिक आपको क्लियर होगा. नाउ द एक्टिविटीज गिवन ओवर हियर, पॉज द वीडियो एंड गो थ्रू द एक्टिविटी. नेक्स्ट टॉपिक इज कैलोरीफिक वैल्यू. सो कैलोरीफिक वैल्यू, किसी भी चीज़ की हीटिंग वैल्यू को हम कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं. ठीक है, किसी भी मटेरियल की हीटिंग वैल्यू को हम क्या कहेंगे? कैलोरीफिक वैल्यू कहेंगे. सो कोई भी सब्सटेंस जो है इट विल गिव ऑफ हीट वाइल बर्निंग. सो जो हीट का अमाउंट जो प्रोड्यूस हो रहा है, इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है. द अमाउंट ऑफ द हीट प्रोड्यूस व्हेन द यूनिट मास ऑफ अ कम्बस्टिबल सब्सटेंस इज बर्न्ड वेरीज फ्रॉम सब्सटेंस टू सब्सटेंस. और हर सब्सटेंस का जो कैलोरीफिक वैल्यू है उसकी अलग अलग होगी. फॉर एग्जांपल कोल की अलग होगी, पेट्रोल की अलग होगी. तो इसी तरीके से यहाँ पे बताया गया है कि जो कैलोरीफिक वैल्यू है इट विल वेरीज फ्रॉम अ सब्सटेंस टू सब्सटेंस. दिस टेल्स वेदर द सब्सटेंस इज अ गुड फ्यूल और अ बैड फ्यूल. और इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है आपको ये बता देगी कि जो सब्सटेंस है वो गुड फ्यूल है कि बैड फ्यूल है. दैट मीन्स कि अगर वो
अच्छी कैलोरीफिक वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, दैट मीन्स इट इज़ अ गुड फ्यूल, और अगर उसकी कैलोरीफिक वैल्यू इज़ नॉट दैट मच ऑन पॉइंट तो दैट मीन्स इट इज़ अ बैड फ्यूल। इट इज़ रेफर्ड टू एज द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल, और इसे हम क्या कहेंगे, फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू। सो द अमाउंट ऑफ द हीट प्रोड्यूस व्हेन 1 kg ऑफ अ फ्यूल अंडरगोज अ फुल कंबशन इन द सफिशिएंट ऑक्सीजन इज नोन एज द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल। सो प्लीज अंडरलाइन दिस लाइन। ये लाइन आपको या ये डेफिनेशन आपको ये बता रही है कि अगर 1 kg ऑफ अ फ्यूल विल अंडर गो अ फुल कंबशन, तो जो उसमें हीट का अमाउंट जो प्रोड्यूस होगा, दैट पर्टिकुलर अमाउंट इज नोन एज द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल। नेक्स्ट आपका टेबल दिया हुआ है, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ सम कॉमनली यूज फ्यूल। सो कोल है, चारकोल है, बायोगैस, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, LPG, मीथेन। जस्ट गो थ्रू द टेबल। नाउ फ्यूल की जो क्वांटिटी होती है वो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू पर डिपेंड करती है। जितनी ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होगी फ्यूल की, उतनी अच्छी फ्यूल की क्वालिटी होगी। ठीक है, तो फ्यूल की क्वालिटी जो है वो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू पर डिपेंड करती है। जितनी अच्छी कैलोरीफिक वैल्यू उतनी अच्छी फ्यूल की क्वालिटी। SI यूनिट जो है फ्यूल की, SI यूनिट ऑफ अ कैलोरीफिक वैल्यू इज जूल पर किलोग्राम। सो किस में मेज़र किया जाता है इसको, इसको जूल पर किलोग्राम, किसी भी चीज़ की कैलोरीफिक वैल्यू को जूल पर किलोग्राम में मेज़र किया जाता है। दो जनरली द यूनिट किलो जूल पर ग्राम इज जूल, बट जनरली हम किलो जूल पर किलोग्राम को के यूनिट को हम यूज़ करते हैं, अदरवाइज द स्टैंडर्ड यूनिट इज जूल पर किलोग्राम। हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन आपका ऐसा फ्यूल है विच हैज़ द हाइएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू एंड इट डज नॉट क्रिएट एनी पोल्यूशन वाइल बर्निंग। दैट इज़ वाई साइंटिस्ट आर वर्किंग ऑन इट एंड एक्सपेक्टेड टू बी यूज एज अ फ्यूचर फ्यूल, जो कि आप प्रीवियस चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। LPG जो है, इट हैज़ अ फेयरली हाई कैलोरीफिक वैल्यू, इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी स्मोक वाइल बर्निंग। डीजल पेट्रोल आर यूज इन ट्रांसपोर्ट सेक्टर, हाउएवर दे पल्यूट द एनवायरमेंट एंड दे रिलीज हार्मफुल गैसेज इन द एटमोसफियर ऑन कंबशन। नाउ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड फ्यूल, गुड फ्यूल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई है। सो इट इज सेफ टू हैंडल, स्टोर और ट्रांसपोर्ट, इट डज नॉट कॉज पल्यूशन, इट हैज़ अ मॉडरेट रेट ऑफ कंबशन, इट प्रोड्यूसेज अ लार्ज क्वान्टिटी ऑफ हीट, दैट इज इट हैज़ इट्स कैलोरीफिक वैल्यू इज़ हाई, इट हैज़ लो इग्निशन टेम्परेचर, इट्स चीप एंड ईजिली अवेलेबल, इट लीव्स बिहाइंड लिटिल और नो रेसिड्यू आफ्टर बीइंग बर्न। तो यहाँ पर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई हैं जो किसी फ्यूल की क्वालिटी को अच्छा करने के लिए होनी चाहिए। सो वो जो फ्यूल है, इट शुड बी सेफ टू हैंडल, या हम उसे ईजिली स्टोर कर पाएँ, ट्रांसपोर्ट कर पाएँ, और दैट पर्टिकुलर फ्यूल शुड नॉट कॉज एनी सॉर्ट ऑफ पल्यूशन, और जो कम्बशन का रेट होना चाहिए वो मॉडरेट रेट हो कम्बशन का, ना बहुत ज़्यादा हाई हो ना लो हो, और जो हीट है इट प्रोड्यूसेस अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ हीट, दैट इज़ कैलोरीफिक वैल्यू उसकी हाई होनी चाहिए। अगर कैलोरीफिक वैल्यू हाई होगी तो वो ऑब्वियसली गुड फ्यूल हो जाएगा। इग्निशन टेम्परेचर लो होना चाहिए, इग्निशन टेम्परेचर लो होगा तो वो ईजिली बर्न हो जाएगा। चीपली और ईजिली अवेलेबल होना चाहिए, और इट शुड लीव नो लिटिल और नो रेसिड्यू आफ्टर बीन बर्न, और उसमें कोई रेसिड्यू बचना नहीं चाहिए या फिर बहुत कम रेसिड्यू बचना चाहिए आफ्टर इट्स बीन हीटेड। नाउ देर इज ओनली नेचुरल गैस दैट फुलफिल ऑल दिस कंडीशन, सो नेचुरल गैस जो होती हैं दीज ओनली फुलफिल दिस पर्टिकुलर कंडीशंस। टाइप्स ऑफ फ्यूल, अब नाउ फ्यूल्स आर कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल स्टेट, लिक्विड गैस और सॉलिड। लिक्विड फ्यूल्स में आपके केरोसिन, पेट्रोल, फ्यूल ऑयल, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस दैट इज़ LPG, डीजल, ये सब आपके लिक्विड फ्यूल्स में आ जाएंगे। सॉलिड फ्यूल्स, कोल, वुड, केटल, डंग, केक्स एक्सेट्रा, ये सब क्या है, ये सब आपके सॉलिड फ्यूल्स में आ जाएंगे। गैशियस फ्यूल्स, बायोगैस, एसिटिलीन, नेचुरल गैस, कोल गैस, वाटर गैस, ये सब आपकी गैशियस फॉर्म में। दैट मीन्स कि जो फ्यूल लिक्विड स्टेट में होंगे उन्हें हम लिक्विड कहेंगे, सॉलिड स्टेट में है तो हम उन्हें सॉलिड स्टेट में सॉलिड फ्यूल कहेंगे, गैशियस फॉर्म में है तो गैशियस फ्यूल कहेंगे। नाउ देयर आर द इफेक्ट्स ऑफ बर्निंग ऑफ फ्यूल ऑन द एनवायरनमेंट,
अब इन्वायरमेंट पे क्या होता है फ्यूल, इन्वायरमेंट पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है फ्यूल के बर्निंग से. सो देर आर फ्यू ऑफ द पॉइंट्स विच इज़ गिवन ओवर हियर. तो कार्बन मोनोऑक्साइड है, इट विल रिलीज कार्बन इन, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये रिलीज होगी अगर कार्बन जो है वो बर्न होगा इन सफिशेंट सप्लाई ऑफ एयर. सो ये एक डेंजरस पॉल्यूटेंट के तौर पे काम करेगा हमारे एनवायरनमेंट में, एंड ये इट विल बी अ लाइफ थ्रेटनिंग ऑल्सो अगर हम इसे ब्रीद कर लें. कोल कंटेन्स सल्फर एंड इट विल प्रोड्यूस सल्फर डाइऑक्साइड, और ये एसिड रेन भी करा सकता है विच इज़ वेरी हार्मफुल फॉर क्रॉप्स एंड सॉयल. कंबशन ऑफ फ्यूल्स रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड इन द एनवायरनमेंट विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग. बर्निंग ऑफ फ्यूल कंटेन कार्बन रिलीजेज ऐश एंड फाइन अनबर्न सब्सटेंस कंटेन इन टू द एनवायरनमेंट. दीज कार्बन कंटेन आर कॉल एस पी एम सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर, और दीज सब्सटेंसेज आर वेरी हार्मफुल टू आर एनवायरनमेंट. ऑयल स्पिल फ्रॉम ऑयल टैंकर्स ट्रांसपोर्टिंग ऑयल कॉल्स विद स्प्रेड वाटर पोल्यूटिंग इन सी एरियाज. तो जो ऑयल स्पिल है अगर उसमें से ऑयल कहीं से थोड़ा सा गिर जाता है तो क्या होगा कि वाटर पोल्यूशन होगा, सीज के लिए हार्मफुल होगा, एंड डेथ ऑफ द एक्वेटिक एनिमल्स ऑल्सो. डैम्स कंस्ट्रक्टेड ओवर रिवर्स प्रोड्यूस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कॉजेज नियर बाई एरिया टू फिल अप विद वाटर. तो इससे क्या होगा, डैम्स जो हैं अगर वो कंस्ट्रक्ट होंगे रिवर के ऊपर तो इट विल प्रोड्यूस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड कॉजेज द नियर बाई एरिया टू बी फिल्ड अप विद वाटर. दिस डिस्प्लेसेस अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम देयर होम. तो इससे क्या होगा, लार्ज नंबर ऑफ पीपल विल बी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर होम. ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एमिटेड फ्रॉम एग्जॉस्ट ऑफ इंजन ऑफ व्हीकल्स आर पॉइजनस गैसेज. दीज डेज मेनी व्हीकल्स यूज कैटालिटिक कन्वर्टर टू कन्वर्ट हार्मफुल गैसेज इंटू हार्मलेस गैसेज. तो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन जो है इट विल ऑल्सो प्रोड्यूस सम ऑफ द वेरी पॉइजनस गैसेज. तो जो नाउ डेज सम ऑफ द कैटालिटिक कन्वर्टर्स आर यूज विच जनरली कन्वर्ट द हार्मफुल गैसेज टू हार्मलेस गैसेज. कैटालिटिक कन्वर्टर्स का यूज़ किया जा रहा है जो कि हार्मफुल गैसेज को हार्मलेस गैसेज में कन्वर्ट कर रही हैं, और हम फ्यूचर यूज़ के लिए ये हमारे बेनिफिशियल होंगी और हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं फ्यूचर यूज़ के लिए. सो दीज वर द इफेक्ट ऑफ बर्निंग फ्यूल ऑन द एनवायरमेंट. सो ये चैप्टर इज कम्प्लीटेड. नाउ देर आर फ्यू ऑफ द इम्पॉर्टेंट टर्म्स इन द चैप्टर. प्लीज गो थ्रू ऑल द टर्म्स एंड जिस ग्रो थ्रू ऑल द चैप्टर. स्टिल इफ़ यू आर फेसिंग एनी कन्फ्यूजन प्लीज़ आस्क ऑन माई व्हाट्सएप नंबर. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एवरीवन.